मार्च 2012 में पिंजौर में एक्सिस बैंक के एटीएम तोड़ने के आरोपी को पिंजौर पुलिस ने चंबा से गिरफ्तार कर पंचकुला न्यायिक अदालत में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसआई चांदराम ने बताया कि 8 मार्च 2012 को पिंजौर की मेन बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन को दो युवकों ने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद एक आरोपी को पकड़ लिया गया था व दूसरा आरोपी फरार था, जिसे चंबा से अब पकड़ लिया गया है। हमने इसको तन्नू घाटी से गिरफ्तार किया, मुकदमा नंबर 78/12 अंडर सेक्शन 457-511 आईपीसी में ये इन्वॉल्व था और पुलिस की पकड़ में नहीं आया। हमने इसका पता किया तो हमारे को पता लगा, हम इसको पकड़ लाए तो ये पीओ बन गया था कोर्ट से। पीओ बनने के बाद हमने इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया 28/13 अंडर सेक्शन 174 AIPC में गिरफ्तार करके पेश दर्ज किया गया, जो मजिस्ट्रेट साहब ने इनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में अदालत के आदेश कर दिए। इन्होंने एटीएम एक्सिस बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी पिंजौर मेन बाजार में पिंजौर। पकड़े गए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।